पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दुस्साहस की सारी हदें लांघते हुए बेखौफ डकैतों ने करीब 9 बजे नागफनी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर किसरौल मोहल्ले में पीतल कारोबारी के घर घंटा भर कहर बरपाया। 2 साल के बच्चे के सिर पर पिस्टल सटाकर डकैतों ने कारोबारी के घर से 6 लाख रुपए नगद और करीब 24 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। विरोध करने पर बुजुर्ग कारोबारी की बेरहमी से पिटाई की गई। जाते समय डकैत पूरे परिवार को हाथ पैर बांध कर डाल गए। दुस्साहसिक वारदात का पता चलते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। डकैतों की तलाश में पूरे शहर की नाकेबंदी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। घटना के समय किसरौल में पीतल नगरी कारोबारी हाजी मोहम्मद यासीन के घर उनकी बेटी नसरीन जहां, नसरीन की शिक्षिका बेटी इरम, बेटे वसीम की पत्नी साजिया और साजिया का बेटा अरशान मौजूद थे। 3 मंजिला मकान का मुख्य द्वार खुला था। परिवार के सभी लोग दूसरी मंजिल पर थे। रात करीब 9 बजे 5 हथियारबंद बदमाश मुख्य द्वार से घर में घुसे। घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने जीने का दरवाजा खटखटाया। हाजी मोहम्मद ने दरवाजा खोला तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल तान दी। गोली मारने की धमकी देते हुए डकैत अंदर दाखिल हुए। कारोबारी ने शोर मचाने की कोशिश की तो हथियारों की बटों से उनकी पिटाई की। एक बदमाश ने साजिया की गोद से उसके बेटे अरशान को छीन लिया और उस पर पिस्टल तान दी। सभी मोबाइल फोन की बैटरी निकाल दी गई। बदमाशों ने कारोबारी से कहा कि चुपचाप घर में रखे जेवर नकदी दे दो, शोर मचाया तो सभी को गोली मार देंगे। गाड़ी के बारे में बात करनी है। नाना ने किवाड़ खोला, उन्होंने एकदम मेरे बेटे को 2 साल का उसको बंदूक रख दी और कह दिया कि जितना भी सामान है सब निकाल के दो, वरना जान से मार देंगे हम तुम्हें और इस बेटे को भी। फिर वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने सब कुछ निकाला, अलमारी तोड़ी, अलमारी में से सारा जेवर निकाला, कैश निकाला और हमें बांध दिया। फिर बोले जितना हमें बताया है उस हिसाब से हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे। क्या नीचे गए, क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में बंदूक थी और दो बंदूक रिवॉल्वर कट्टे कट्टे। आपका नाम क्या है? आपका शाजिया। उनके हाथ में क्या था? तमंचे थे? क्या था? तमंचे और चाकू दोनों थे। चार थे तमंचे, चार थे, एक चाकू चाकू था बहुत बड़ा। बाबा क्या हुआ था, कौन आया था? कितने का बाबा लूट की होगी? कितने की लूट की होगी? सब तो हो गए, सब कितने लाख, कितने लाख की होगी? कितने लाख का होगा सामान? कितने लाख का हो बाबा? उनके घर पर 4-5 घुसाए और उन्होंने तमंचे के बदले उनके घर से कुछ कैश और जेवरात जो ले गए। प्रथम दृष्टया उनसे बातचीत जो की गई, जो 4 अपराधी जो थे जाने के बारे में, घर के बारे में, परिजनों के बारे में और घर के नक्शे के बारे में जानकारी, और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया शरीर के दर और घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई जा चुकी हैं और घटनास्थल का निरीक्षण SSP सर द्वारा, मेरे द्वारा और घटनास्थल पर FSL की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सभी लोगों ने घटनास्थल पर अपनी अपनी कार्रवाई की। प्रथम दृष्टया कितने की लूट जताई जा रही है, क्या आशंका है? देखिए अभी तक जो है उनके द्वारा ही जो ज्वेलरी गई है उसका आकलन नहीं किया गया, जैसे वो मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। कैश की कुछ जानकारी रही है? तकरीबन 3 लाख के करीब कैश वादी के द्वारा बताया गया। अच्छा, क्या बात सही है कि बंधक बनाकर उन्हें उनके साथ में लूटपाट की जा रही? वादी ने जैसे जैसे घटनाक्रम बताया उसके आधार पर तहरीर ले ली गई है और मुकदमा दर्ज किया गया।